अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में सर्दियों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे, गैस की कमी से फ़ायदा उठा रहे होंगे। आजकल जैसा कि आपको पता है, गाजरों का मौसम है, गाजरें बहुत ही ज़्यादा आम हैं, थोड़ी सी महंगी हैं लेकिन मज़े की हैं और ऐसा ऐसा ये थोड़ी सस्ती भी हो जाती होती हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर से मज़ेदार सा गाजर का हलवा। इसके लिए आपने क्या करना है कि गाजरें ले लेनी हैं जितनी आपको पसंद हो। ज़्यादा बनाना चाहते हैं तो ज़्यादा बना लें, थोड़ी बनाना चाहते हैं तो 1 kg गाजर ले लें, 1 किलो गाजर ले लें और इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लें, इसके बाल्स रिमूव कर दें, इसका लिड उतार दें। उतारने के बाद आपके पास दो ऑप्शंस हैं, एक तो आप इलेक्ट्रिक मशीन के साथ इसको चॉप कर सकते हैं, एक आप इसके साथ कद्दूकस के साथ इसको चॉप कर सकते हैं। अब ये आपकी मर्जी है कि आप किस तरह से इसको चॉप करना चाहते हैं। आज मैं सहूलत के लिए कद्दूकस करूंगी इलेक्ट्रिक मशीन के साथ। इसको आजकल बहुत सी वीडियोस जो हैं वायरल हो रही हैं कि इनको कद्दूकस किए बगैर बनाए, बन तो वैसे भी जाता है, इसके साथ आप कद्दूकस किए बगैर इसको छोटा छोटा सा काट लें और इसको ऊपर दम के लिए रख दें, जब पक जाए तो इसको मैश करें और मैश करने के बाद आप इसको चीनी और नट्स वगैरह डालकर इस्तेमाल कर लें। लेकिन जो मज़ा इस तरह से कद्दूकस करके पकाने में आता है, वैसे अगर आप कद्दूकस किए बगैर बनाएंगे तो उतना आपको टेस्ट नहीं मिलेगा। ये देखें, ये मैंने आपको दिखाने के लिए बनाई थी, अब मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने पूरी क्वांटिटी में बनाई है। इनको हम एक देशके में डाल देंगे, देशके में डालने के बाद इसके नीचे हम आग चला देंगे और आग जलाने के बाद इसको पड़ा रहने देंगे जी, बनने के लिए, पकने के लिए। ठीक है, ये देखें जी, हमारे घर गैस बिल्कुल नहीं आ रही है, सिर्फ हवा आ रही है। इंतजार करते हैं, चलें, स्टे विद अस, स्टे ब्लेस्ड। जी जनाब, गैस हमारी आ गई है, इसको हम इसमें डालकर थोड़ी सी आग में, शुरू में हम फुल आंच रखेंगे, फुल आंच रखने के बाद जब ये पकना शुरू हो जाएगा तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसका आगे क्या करना है। इसको थोड़ा सा पकने दें, जब तक इसका पानी खुश्क होता है तब तक हम कुछ और कर लेते हैं। जी जनाब, हमने 3 किलो गाजरें ली थी और 3 किलो ही दूध लिया है, इसको पकने के लिए रख दिया है। इसका हम बनाएंगे खोया गाजरों में डालने के लिए। इसको हाई फ्लेम पे हमने रख दिया है, जैसे ही पकता है, गाढ़ा होता है, इसको हमने थोड़ी सी हल्की आग करके तो इसको बार बार हिलाते जाना है, मूव करते जाना है, ताकि हमारा दूध जो है वो गाढ़ा हो जाए, फिर हम बाद में आपको बताते हैं। देखो जी, 10 मिनट के बाद इसकी हालत इस तरह से हो गई है। इस जगह पे आके आपने इसका लिड भी नहीं रखना दोबारा से और इसको बार बार हिलाते जाना ताकि नीचे ना लग जाए, क्योंकि इसमें से पानी जो होता है वो सोख हो जाता है, सूख जाता है, खुश्क हो जाता है। तो इसके बाद जो है इसको मुसलसल आपने हिलाते जाना है, हिलाना है। और देखें, दूसरी तरफ दूध भी मैंने खुले बर्तन में डाल दिया है और इसमें जोश आ रहा है खूब जोशों के साथ, और ये भी तकरीबन आधा पौना घंटा लेगा ड्राई होने में। 3 किलो दूध का हम खोया एक तरफ बना रहे हैं, बाजार से खोया मिल जाता है लेकिन घर के खोए का अपना ही मज़ा होता है, थोड़ा सा और होता है। तो फिर इसमें हम डालते हैं 2 चम्मच के करीब देसी घी, आपकी मर्जी है, देसी घी डालना चाहें तो देसी घी डाल लें, अगर आपने डालडा डालना है तो वो आप डालडा भी डाल सकते हैं। ऑयल में मीठा कभी भी मत बनाएं, क्योंकि ऑयल के साथ वो टेस्ट नहीं आता है, वो मज़ा नहीं आता है जो देसी घी या फिर डालडा घी के साथ आता है। घी कोई भी हो, डालडा हो या कोई और वनस्पति हो, कोई भी हो। ये देखें जी, हमने इसमें डाल दिया है देसी घी। अब इसको हम गाजरों को देसी घी में भूनेंगे, ज़्यादा घी मत डालिएगा क्योंकि हमने खोया भी डालना है और खोए से जो है वो ज़्यादा ही
मज़ा आता है और थिकनेस भी हो जाती है, फिर ज़्यादा हैवी हो जाएगा अगर आप ज़्यादा घी इस्तेमाल करेंगे तो। लाइट घी डालें और ज़्यादा मज़ा लें। जब इस कंडीशन में आ जाए तो इसमें एक पाव के करीब आपने चीनी डाल लेनी है। अगर आप उनसा अपना रहे तो इस तरह का डोंगा सबके घरों में होता है, उसके साथ एक डोंगा भर के डाल लें और फिर चेक कर लें। अगर आपको काम लगे तो और डाल लें। कुछ लोग कम खाते हैं और कुछ लोग ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं, तो अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट इसमें आप डाल लें और इसको अच्छी तरह से फिर भून लें। ये देखें इस कंडीशन में आके, तो फिर आपने इसमें चीनी ऐड करनी है। अब चीनी का पानी खुशक होता है तो ये हलवा तो हमारा तैयार हो जाएगा, लेकिन खोया अभी हमारा तैयार नहीं हुआ है, इसको भी टाइम लगेगा मज़ीद, तो इसको होने देते हैं। जब तक ये होता है उतनी देर तक हम अपना जो है हलवा जो है वो बना लेते हैं। आग इसकी फुल कर देते हैं क्योंकि अब हमने सिर्फ पानी जो है वो ड्राई करना है चीनी का। हलवा हमारा बिल्कुल रेडी है। गाजर की शेप भी आपको बताऊंगी, दिखाऊंगी कि देखें गाजर के बिल्कुल जो है शक्ल उसकी वैसे ही की वैसे है। चीनी का पानी खुशक हो जाए तो आप बिल्कुल हल्की आंच कर देंगे, इससे भी हल्की कर दें और इसको भूनिए। देखें जी, अब अगर थोड़ी सी भी आग तेज हुई तो ये नीचे से लग जाएगा। कोई का हाल ऑलमोस्ट रन होने वाला है। इसे थोड़ा सा भी ध्यान पीछे हो जाए तो उबलना शुरू हो जाता है। इसके साइडों से उतारते जाए, जितना ज़्यादा खुला बर्तन होगा उतनी जल्दी ही आपका खोया जो है वो रेडी होगा। तीन किलो दूध था और आप तकरीबन 1 किलो 1 किलो के करीब रह गया है। अभी इसे मज़ीद हमें सुखाना है। जी सर्दियों को इंजॉय करने के लिए इसमें आप पीनट्स भी डाल सकते हैं, अखरोट भी डाल सकते हैं, बादाम भी डाल सकते हैं, जो चीज़ आप डालना चाहें वो आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, ना भी डालें तो ऐसे भी बहुत ही मज़े का लगता है। लास्ट स्टेज ऑफ खोया, ये देखें जी जनाब, खोए का खोया देखें, मज़ेदार खोया आपका रेडी होने में सिर्फ 10-15 मिनट रह गए हैं। मज़ीद इंतज़ार के लिए आपको जहमत करनी ही पड़ेगी अगर आप देखना चाहते हैं कि खोया किस तरह से बनता है और गाजर के हलवे में ये किस तरह से इस्तेमाल होगा, तो थोड़ा सा और इंतज़ार कर लें। ऑलमोस्ट हमारा खोया जो है वो रेडी होने वाला है। मेरा तरीका रहा है कि मैं ऐसे ही गाजरों में डाल दूं और गाजरों में बाकी जो है उन्हें नहीं हो जाएगा। बस आप बताएं क्या करूं, डाल दूं या वेट करूं, सब्र की इंतहा हो गई है। देखें जी हमारा खोया हमने डाल दिया है, जी व्यूअर्स मेरी प्यारी सी बहनों, देखें उसी हलवे में से मैंने थोड़ा सा हलवा निकाल कर इसमें मैंने 2 अंडे डाले हैं और ये हलवा जो है हमारा हलवा जो है वो अंडों वाला हलवा बन जाएगा। तो एक तीर से हमने 3 काज किए हैं, 1 काज तो था ना, 1 हलवा से हमने खोए वाला हलवा बनाया, सादा हलवा बनाया और
अंडे वाला हलवा बनाया। ये ऑलमोस्ट शक्ल में तो वैसे ही नज़र आएगा आपको जैसा वो खोए वाला हलवा होता है, लेकिन टेस्ट में जो है बिल्कुल इसका डिफरेंट जायका होगा। ये देखें जी, ये हमारा खोए वाला है और ये हमारा अंडे वाला। जी जनाब, सादा खोए वाला और अंडे वाला हलवा रेडी है। इंजॉय करें, फैमिली के साथ शेयर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और दुआ में याद रखिएगा। स्टे विद अस, स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।